में आपका स्वागत है दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में हिंदी के जो भी विराम चिन्ह थे वो सभी पर चर्चा की थी। तो दोस्तों जो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है या नेक्स्ट आप चैप्टर कह सकते हैं उपसर्ग है। तो चलिए देख लेते हैं उपसर्ग को ट्रिक के साथ, उपसर्ग है क्या। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, उपसर्ग की एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये किसी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता परंतु उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक नोट पॉइंट है, कुल उपसर्ग जो हैं 21 हैं, ठीक है। ये जो हैं संस्कृत के हैं। जैसे उपकार लिखा है, उपकार में पूछ लेता है आपसे, पूछा क्वेश्चन कि उपकार में कौन सा उपसर्ग है, तो आप बताएंगे उप इसमें उपसर्ग है। क्योंकि दोस्तों उपसर्ग जो होता है शब्द के प्रारंभ में लगाया जाता है। तो दोस्तों एक बार एक चीज़ और याद रखना कि जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंतिम में लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो इसमें उपकार में उपसर्ग जो होगा वो उप होगा और जो कार होगा वो आपका मूल शब्द होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए जी उपसर्ग देख लेते हैं। आ, अप, अव, उप, अपि, अति, अभि, अधि, अनु, सु, सम, विन, निस, निर, दूर, दुस, प्र, प्रति, प्रा, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है आपके लिए सभी एग्जामों के लिए उपसर्ग जो है हिंदी के। अन, अद, उन, कु, ती, पर, बिन, भर, सु, औ, दू, ठीक है दोस्तों। आपसे अगर पूछा जाता है कि उपसर्ग हिंदी के कितने होते हैं तो आपका जो जवाब रहेगा वो होता है 13, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट भी देख लेते हैं एक बार। चलिए जी उपसर्ग जो है उर्दू व फारसी के, उर्दू जो फारसी है उसके जो उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 19 होते हैं, ठीक है। आप इनको भी देख लेना, अल, ना, एन, गैर, दर, बा, बदला, हम, हर, बर, सर, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है, जैसे उपन्यास पूछता है कि उपन्यास में कौन सा उपसर्ग होगा, तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि उपसर्ग जो है शब्द के प्रथम में लगाया जाता है, प्रारंभ में लगाया जाता है। तो इसमें उपसर्ग जो होगा वो उप होगा। जैसे दुशासन, दुशासन में जो होगा दुस उपसर्ग होगा, ठीक है। प्रत्याशित में जो उपसर्ग होगा वो प्रति होगा। जैसे दुश्चरित्र में जो होगा वो क्या होगा, दुस होगा। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आपको ये सह दिखता है इसको इस सह में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। चलिए जी ये थे आपके उपसर्ग। चलिए प्रत्यय भी देख लेते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय की जो परिभाषा है उसको भी देख लेते हैं। प्रति, साथ में, पर, आखिर में, प्लस अय का मतलब होता है चलने वाला, अर्थात इसका अर्थ है पीछे चलना। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाना या लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पाठक, पाठक में जो होगा आपसे पूछा जाता है कि पाठक में प्रत्यय कौन सा होगा, तो ठक में अक प्रत्यय होगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, अनुकूल में कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो दोस्तों अनुकूल में आपका कूल, अनुकूल में कौन सा प्रत्यय होगा, तो दोस्तों शब्द के अंतिम में जो भी लगा होगा वो प्रत्यय कहलाता है, तो इसमें कूल जो है प्रत्यय होगा। दोस्तों ये था आपका उपसर्ग और प्रत्यय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।